हेलो स्टूडेंट, आई एम भारत सिंह। टुडे आई विल टीच यू क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर। टुडे टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम अपनी जितनी भी स्पीच देते हैं, जितने भी हम कथन बोलते हैं, तो दो प्रकार से बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी ने हमसे कोई बात कही और हमने उसी बात को किसी दूसरे से कह दिया और उसी के शब्दों में बोला, तो ये डायरेक्ट होता है। किसी की कही हुई बात हम किसी दूसरे को बताते हैं और उस बात को हम अपने शब्दों में बोलते हैं, लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होता। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस वही होता है, हम अपने शब्दों में बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट होता है जैसे किसी ने हमसे कहा, ऐसे ही सेम टू सेम हमने उस दूसरे से कह दिया, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट किसी के सेंटेंस किसी से कहना है, हम अपने शब्दों में कहेंगे, इट्स ए इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहले पहचानेंगे व्हाट इज द डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट से ही हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमको डायरेक्ट समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डायरेक्ट। हियर डायरेक्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट, रिमेंबर इट एंड माइंड इट। डायरेक्ट के अंदर दो सेंटेंस होते हैं और इनडायरेक्ट में ओनली वन सेंटेंस होता है, क्योंकि डायरेक्ट के दो सेंटेंस को मिलाकर ऐड करके एक इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है, मतलब एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। ओके, रिमेंबर इट, टाई द नोट। डायरेक्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। इन रिपोर्टिंग वर्ब देयर आर टू पर्सन, फर्स्ट वन स्पीकर एंड सेकेंड वन लिसनर। समटाइम वी डोंट मेंशन लिसनर, वट इनडायरेक्टली देयर इज अ लिसनर इन रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी हम लिसनर को शो नहीं करते हैं, किसी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में लिखते नहीं है, वट लिसनर होता जरूर है, क्योंकि जब भी स्पीकर कुछ कहेगा तो लिसनर जरूर होगा, सुनने वाला जरूर होगा। कभी हम मेंशन नहीं करते हैं और मोस्टली हम मेंशन तो करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सेंटेंस बोला, आई सेड टू हिम, दिस इज लिसनर हिम, बट समटाइम वी से I said, he said, they said, he says, but we are not mentioning listener, but there is should be a listener. Reporting verb, speaker and number two, listener. Speaker, listener से जो कुछ भी कहता है, speaker जो कुछ भी कह रहा होता है, reporting verb का speaker जो भी कुछ कहता है वो एक report होती है, उसी report को हम reported speech बोलते हैं। एक उसका स्टेटमेंट होता है, एक उसका वाक्य होता है। स्पीकर जो कुछ भी बोलेगा, वट एवर द स्पीकर स्पीक्स, इट्स कॉल्ड ए रिपोर्ट स्पीच। स्पीकर जो कुछ भी कहेगा और सुनने वाला जो भी सुनेगा वो रिपोर्ट स्पीच कहलाएगा। स्पीकर ने जो कुछ भी कहा वो रिपोर्टेड स्पीच हुई। अब रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को कंबाइन करने के बाद बनता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीकर ने जो कुछ भी कहा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, इन दोनों को ऐड करके रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच देयर इज ओनली वन सेंटेंस, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी इज अ डायरेक्ट, रवि इज ए गुड बॉय, रिपोर्टिंग वर्ब एंड हियर इज अ रिपोर्टेड स्पीच। जो कथन जो स्टेटमेंट इन मिड कॉमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो सेंटेंस जो भी स्टेटमेंट जो भी स्पीच इन मिड कॉमा के अंदर बंद होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। या रिपोर्ट स्पीकर जो कुछ भी कहता है वो सब रिपोर्टेड स्पीच होती है। दे आर टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। नाउ इनडायरेक्ट,
ही सेड टू मी डैट रवि वॉज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का था. सेकेंड यहाँ देख रहे हैं, ही सेड टू मी, ही इज अ स्पीकर, मी इज अ लिसनर. ही ने मी से कहा, मी से क्या कहा, जो कुछ भी कहा, क्या कहा, रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है. तो स्पीकर ने लिसनर से कहा, तो लिसनर ने जो कुछ भी सुना, स्पीकर ने जो कुछ भी कहा, ये दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट वी ज्वाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन वन सेंटेंस. ही सेड टू मी, इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा वी पुट हैड, वी पुट डैट, रवि वॉज ए गुड बॉय. दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट मोहन सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज आर स्पीकर बट देर इज नो लिसनर है यार. मोहन सेज, मोहन कहता है, किसी से तो कहता होगा बट यह सो नहीं किया, किसी से तो कहता है, जिससे भी कहता है वो लिसनर है, पर हम उसको नाम ले या ना ले बट लिसनर होता है. मोहन सेज, मोहन कहता है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. तो मोहन के द्वारा कहा गया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना वाक कार्य पूरा कर लिया है. तो ये दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच, हेयर इज अ रिपोर्टिंग वर्क. इनडायरेक्ट मोहन सेज डैट, मोहन सेज डैट, राइट हेयर ओनली हैज, मोहन सेज डैट ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. डी एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल नंबर थर्ड. आई सेड टू हिम टीचर विल नॉट कम टूडे. आई सेड टू हिम, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, टीचर विल नॉट कम टूडे, रिपोर्टेड स्पीच. एंड इनडायरेक्ट आई टोल्ड हिम डैट that teacher would not come today. So come today ka? Come that day. Okay students, to ye the hamare studying for example and in short direct and indirect. From here I will teach you in next video. Okay students, revise it and write in your notebook and complete your work. Okay, thanks a lot and have a nice time.